हेलो एवरीवन, मैं श्रुभि आपकी दोस्त फिर से आज आपका एक बार स्वागत करती हूँ चैनल फिल्मी अड्डा पर। और आज फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ बॉलीवुड एंटरटेनमेंट से जुड़ी एक न्यूज। तो आइए उसके बारे में बात करी जाए। आमिर और कंगना सहित इन सितारों ने जब करण जौहर को उन्हीं के शो में किया था ट्रॉल, जमकर लगाई थी उनकी क्लास। चलिए बात करते हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद से ही नेपोटिज्म का मुद्दा फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर से गरमाया हुआ है। कई लोगों का गुस्सा करण जौहर, एकता कपूर, सलमान खान सहित कई अन्य पर फूट रहा है। लोग नेपोटिज्म और गुटबाजी को बढ़ावा देने का आरोप इन सितारों पर लगातार लगा रहे हैं। खास तौर पर करण जौहर के शो कॉफी विद करण के कुछ वीडियोस इस दौरान खूब वायरल हो रहे हैं। इन वीडियोस में साफ देखा जा सकता है कि कैसे करण बाकी सितारों से के साथ आउटसाइडर्स का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। चलिए आपको ऐसे कुछ सितारों के बारे में बताते हैं जिन्होंने करण जौहर की बोलती बंद कर दी है, वो भी उन्हीं के शो कॉफी विद करण में। आप सभी करण जौहर और कंगना रनौत के पंगे से अनजान तो नहीं है। कंगना रनौत करण जौहर के शो कॉफी विद करण में आई थी, तब उन्होंने उन्हें मूवी माफिया बता दिया था। करण के शो में कंगना ने उन्हें खुलेआम कहा था कि नेपोटिज्म को बढ़ावा देने में इंडस्ट्री में वे सबसे आगे हैं। करण जौहर को ट्रॉल करने के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री कोंकणा सेन शर्मा ने भी मौका नहीं छोड़ा था। कोंकणा से शो के दौरान करण जौहर ने पूछा कि हिंदी सिनेमाज में ओवररेटेड अभिनेता कौन है। कोंकणा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में करण जौहर। दरअसल करण जौहर ने इस फिल्म में कैमियो रोल किया था। करण जौहर ने अपने शो उर्फ एक एपिसोड में एक्ट्रेस काजोल से पूछा था कि कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी है जिसे का क्रैश कोर्स करना चाहिए। करण जौहर के इस सवाल का जवाब देते हुए अभिनेत्री ने उनका नाम लिया। करण जौहर की बोलती बंद फिल्म इंडस्ट्री के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने अपने जवाब से कर दी थी। जी हाँ, उनसे करण ने पूछा था कि इंडस्ट्री में ऐसी कौन सी ऐसी चीज है जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं लेकिन दिखाना पड़ता है कि आप उसे पसंद कर रहे हैं। आमिर खान ने जवाब में कहा कि आपका शो। अक्सर अपने सोशल मीडिया पर ट्विंकल खन्ना को हाजिर जवाब देते हुए देखा है। ऐसा एक उदाहरण करण जौहर के शो में भी नजर आया था। ट्विंकल खन्ना से करण जौहर ने पूछा था कि आपके लेखन के बारे में कभी किसी ने कुछ अलग कहा है। ट्विंकल ने इसका जवाब देते हुए कहा, जब आपने करण जौहर कॉलम लिखना शुरू किया तो किसी ने कहा था कि करण जौहर नई मिसेस फनी बॉन्स हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरा स्टैंडर्ड इतना नीचे आए। दरअसल ट्विंकल खन्ना का अकाउंट ट्विटर पर मिसेस फनी बॉन्स के नाम से है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे ऐसे ही और वीडियोस और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे चैनल फिल्मी अड्डा से। थैंक यू।